सबसे पहले तो आप सबको मेरा राम राम। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य सितारे सभी पत्रकार भाइयों, पूरी उत्तरी भारत की शोभा बढ़ाने वाले इस मीडिया बंधुओं के साथ कई महिला पत्रकार भी हैं, उनको भी मैं तहे दिल से राम राम बोलती हूँ। उसके बाद बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, संजय राठी जी, राणा ओबराय जी, संजय राय जी, श्रीमती सुधा भारद्वाज जी और हमारे नजफगढ़ की आन श्यान और बान, हमारी प्यारी बिटिया विदिता डागर जी और इस प्रोग्राम के मुख्य आज के जो तहे दिल से बहुत ही हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं और उनके बारे में जितने भी बात बोली जाए उतनी कम है, हमारे छोटे भैया राजेश जी, इनके साथ समाचार प्यारी टीम का पूरा तहे दिल से मैं नीलम कृष्ण पहलवान और भरत सिंह के परिवार से नजफगढ़ से तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जब मैं यहाँ आई तो मेरे जहन में एक बात चली हुई थी कि मैं ये बोलूंगी, मैं वो बोलूंगी, लेकिन कई पत्रकार बंधुओं की बात सुन के, उनके संवाद सुन के मैं सच में भूल गई कि मुझे बोलना क्या है। लेकिन एक बात जो उन्होंने अपने स्पीच में जोर देके कहा कि आज हिंदी पत्रकारिता का डे है और हमें हिंदी की शुरुआत करनी चाहिए, हिंदी को सुधारना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन क्या हमने कभी अपने मन से सोचा है कि जो ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, इसकी रुकावट क्यों हो गई? मैंने इंडिया को छोड़कर कई देशों में मैंने भ्रमण किया है और मैं गर्व के साथ तहे दिल से ये बोल सकती हूँ कि जैसे हमारा भारत देश है ना, ऐसा कोई भी देश नहीं है, क्योंकि यहाँ में एक विभिन्नता होते हुए भी एकता है। यहाँ अनेक धर्मों के, अनेक जातियों के, अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इकट्ठा रहते हैं, किसी भी आप महानगर में जाके देख लो। और ऐसी एकता हमें कहीं भी दिखाई नहीं देगी, ना हमारे खान पान में, ना हमारी सभ्यता में और ना हमारी संस्कृति में। लेकिन फिर भी भारत इतना विकासशील होते हुए, इतनी गुणवत्ता होते हुए भी इतना पिछड़ा क्यों है? क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग केवल अपने लिए सोचते हैं, चाहे राजनीतिक आदमी हो, चाहे धार्मिक आदमी हो, बोलने के लिए हिंदुस्तान से अच्छा वक्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्टेज पे उनसे आप कितने धर्म की, कितने ज्ञान की भाषा ले लो, ज्ञान की बातों की इंडिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन लागू कोई भी नहीं करता। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगी, लेकिन इन्हीं ज्ञान की बातों में जब हिंदी बात पर दबाव आता है तो मैंने सुना है कि माँ बाप पहली पीढ़ी होते हैं, पहली शिक्षा की बच्चों के लिए, लेकिन हम किसी के घर में चले जाएं, हम चोचलेबाजी में इतने फंस गए कि हमारा बच्चा कुछ उल्टी हरकत करता है तो हम उस पर इंग्लिश झाड़ते हैं, भले ही हमें उस इंग्लिश के एक दो बार डांटते हैं। हम उनको अपनी संस्कृति, चाहे हम हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, गुजरात के हैं, हमारी एक लोक भाषा होती है, उस लोक भाषा से हम अवगत नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते कि आए हुए मेहमानों के सामने कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, इंसल्ट ना हो जाए। जब तक हमारे मन में एक निस्पंजता रहेगी कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार नहीं करेंगे, हम हमेशा ऐसे ही पिछड़े रहेंगे, भले ही हम कितने बड़े बड़े प्रोग्राम करवा ले, कितना कुछ बोल ले। लेकिन आज मैं राजेश जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कम से कम उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया कि आप सब मीडिया बंधुओं को एक करके
आज ये एक जगह प्रोग्राम हुआ, कल हरियाणा में 2-3 जगह होगा, अगले राज्यों में होगा, क्योंकि देख के ही लोग बदलते हैं। बदलाव ही हमारे जीवन का नियम है। तो मैं आपसे इतनी गुजारिश करती हूँ कि आपकी कलम में वो शक्ति है जिसके पास अप्रोच नहीं होती, जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं होती, आपकी कलम उसको न्याय दिला सकती है। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करती हूँ कि अपनी कलम की शक्ति को पहचाने, अपनी पावर को पहचाने। किसी भी डर से आपको झुकना नहीं है, डरना नहीं है, अपने काम को निस्वार्थ भाव से करना है, क्योंकि आप समाज का वो आईना हो जिसमें समाज अपनी छवि देखता। अगर आईना ही धुंधला हो जाता, आईना ही बिकाऊ हो जाता, उसमें क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। तो आप समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण बने कि थोड़ी देर पहले जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, राजेश जी ने एक बात बोली थी कि हर जगह भारत जब आजाद हुआ सबकी चर्चा है, लेकिन मीडिया की नहीं है। क्यों नहीं है मीडिया की चर्चा? अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, भले ही आप किसी भी अखबार के हो, किसी भी सोशल मीडिया के हो, लेकिन अपने आप में जब तक आप जीएसी रखोगे, एक होके नहीं चलोगे, समाज आपको इतिहास में ऐसे ही पीछे छोड़ता चला जाएगा। अपने आप को आप ऐसा दृढ़ बनाए, ऐसा मजबूत बनाए कि जब भी इतिहास बने, इतिहास में पहला नाम आपके अखबार का, आपकी कलम का आए कि उस आदमी ने इस बात के लिए ऐसी आवाज उठाई थी कि ऐसा आंदोलन रोक लिया कि भारत में इतिहास बन गया। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, इसके साथ साथ मैं संजय शर्मा जी को भी अपनी तरफ से, अपने नजफगढ़ की तरफ से किसान मोर्चा का प्रधान बनने पर हरियाणा का बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देती हूँ। और मैं इनसे यही आग्रह करती हूँ कि आप ऐसे ही किसानों के पक्ष में आवाज उठाइए, पूरा हरियाणा नहीं, ऐसे धीरे धीरे पूरा भारत वर्ष आपके साथ हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर से बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।